को इधर से घसीट के लेकर। इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव अपनी मर्जी का मालिक है, ना देखो ना बोलो ना सुनो, दो दिन में ईमानदारी का भूत उतर जाएगा। अरे कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं। सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? सिंघम 3 दबंग 3 से कितनी अलग है? अजय देवगन के विकल्प के रूप में किस एक्टर को देखा जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। अजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे सितारे हैं जो अपने शरीर के हर अंग से अभिनय कर सकते हैं। अजय देवगन के बारे में कहा जाता है कि वो हर जॉनर की फिल्में करने में सक्षम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजय देवगन की सिंघम 3 की घोषणा रोहित शेट्टी बहुत पहले कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि सिंघम 3 में देरी क्यों हो रही है? सिंघम 3 की शूटिंग में देरी इसलिए हो रही है कि आजकल अजय देवगन अपनी नई फिल्म की शूटिंग में जुट चुके हैं। अभी हाल ही में अजय देवगन ने तानाजी की शूटिंग पूरी की है और इसके बाद अजय देवगन भूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अजय देवगन ट्रिपल आर और सेतुपति की फिल्म में काम कर रहे हैं। अजय देवगन SS राजामौली के साथ पहली बार काम करेंगे और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अजय देवगन का एक नेगेटिव रोल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी अजय देवगन ने नेगेटिव रोल निभाया है उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर कहर जमाया है। और अभी हाल ही में अजय देवगन ने इच्छा जाहिर की है कि वो काजोल के साथ एक रोमांटिक फिल्म भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए इन दोनों एक्टर में से आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।